आज स्टूडियो पे पूजा रखी हुई है एंड पूजा के बाद पूरी फैमिली का लंच एक साथ है। सो अभी से प्रिपरेशन हो जाए, अभी से खाना बन जाए तो पूजा से आने के बाद डायरेक्टली सर्व करना ही रहता है। सो कुछ टेंशन नहीं रहता इतना ज़्यादा। आज आषाढ़ी बीज है, हमारे लिए साल का सबसे बड़ा दिन है एंड ये दिन पे पूजा होना मेरे लिए बहुत बोल सकते कि सौभाग्य की बात है। और हमारे घर की बेटियां, हमारे घर के लक्ष्मी देवी से कम नहीं मानते हम लोग उनको। सो आज के दिन उनके पैर मेरे स्टूडियो पे पड़ना, उनका आशीर्वाद मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और आषाढ़ी बीज पे नियाणी का होना इससे ज़्यादा शुभ तो और क्या ही हो सकता है। पवित्र पवित्र सर्वस्तांगतु पिवा यशवदेवेश्वरेशवारी भगवती गंगे त्रिभुवननाथ पूर्वाणु अनेन फल दानेन फलदः अस्तु भवतु मनगमनः सिद्धिरस्तु। पूजन खाने का मेरे पास ले रतम कैसे जाओ मा तो आसन ले टेम बिंगला पत्तमाली ने सूर्या हिरण हेम लक्ष्मी जात वेदो महावह पूरा पूर्वा सुप्रति साकर सुपर जो कन्नड़ बजाओ वर्जिन्याई नमो नमः सुप्रति पिता वरदाह वरदाह भवतः सुप्रति पिता वरदाह वरदाह भवतः नमस्कारान समर्पयाम बिहार जोड़े मंथी वंदन करिहापाना आकाशात् पतितं तुमधागच्छति सागरं सर्वदेव नरद्या विनायकं प्रिया विधियां दांजसस्ते तुनाह સ્વસ્તિક પાડો આકાશ ઉપર એક બેન સ્વસ્તિક પાડો એક બેન નીચે પાંચ ચાંદલા કરો પંચરત્ન સર્કલ થી આપડે બધું શિવાજી સર્કલ કરીએ ને ચલો જમણો પગ મૂકી અંદર આવો ભાઈ, તમે જોડે થઈ જાઓ બધા, ચારે ચાર જોડે થઈ જાઓ બધા ભેગા, હા ગાઢો કરી જાઓ એટલે thank you.
आज फाइनली मेरा सारा नेल्स का सामान घर से स्टूडियो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी रात को ही टाइम मिला, 11 बज रहे। वैसे सब लोग मना कर रहे थे कल जाओ, बट कल करके बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं। 10 तारीख को प्लान था एंड आज 17th है। सो इसके लिए मैंने सोचा कि आज रात को मुझे वहाँ पे हैंगिंग्स एंड ऑल लगाना है। घर से मम्मी पापा तो मना कर रहे थे अभी मत कर, पर फिर वो दिन में टाइम नहीं मिलता है, दिन में अपॉइंटमेंट्स रहती है। सो अभी आज तो शिफ्ट कर लिया, अभी नहीं सेट किया तो फिर कल अपॉइंटमेंट हो नहीं पाएगी। कल रात को मुझे किसी ने वहाँ पे रुकने नहीं दिया, सबका था इतनी रात को नहीं करना है ब्ला ब्ला, कल सुबह सब कर लेना, पर मुझे पता है सुबह होता नहीं है। अभी 4:30 बज रहे हैं सुबह से, यहाँ पे वहाँ पे इतना सारा काम रहता है, अभी शिफ्ट करना है तो ये लेना है वो लेना है, न्यू है तो बहुत कुछ लेना भी पड़ता है, इतना सारा सामान है इसको भी सेट करना है और घर पे बहुत सारा सामान पड़ा है। सो मुझे लग रहा है मुझे 10 बार तो घर पे जाना ही पड़ेगा बाकी का सामान लाने के लिए भी। सबसे पहले मंदिर से स्टार्ट करते हैं, इनके बिना मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकती। एंड गणपति जी जो मुझे स्टूडियो के ओपन होने पे गिफ्ट में आए हैं। कब से घूम ही रही हूँ, बस इतना सारा सामान है, कल इतना सारा रख दिया था फिर भी एक्टिवा में लेके। बस एक एक बार का ही काम होता है, ये दो भी लेके जा रही हूँ बट मुझे लग रहा है ऑब्वियसली एक्टिवा में आगे तो फिट नहीं होंगे दोनों, देखते हैं। आज कल पेशेंट मैं दोनों यहाँ पे नाइट ड्यूटी पे है, शायद मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ, आप हो नहीं। ऑलमोस्ट सब सेट हो गया है, अभी मुझे अपने हिसाब से थोड़ा सेट करना है। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा मंदिर, फिर शैम्पू कंडीशनर एंड पॉलिशेस। यहाँ पे ना मैं पहले का रिकॉर्ड करना भूल गई, लेफ्ट साइड से देखोगे ना तो पूरा एसी का पाइप दिख रहा था, तो उसको छुपाने के लिए मैं कुछ जुगाड़ कर रही हूँ, अब देखते हैं होता है या नहीं। कल रात को मैंने बोला था नाइट ड्यूटी करेंगे, पूरा प्लान था बट नहीं हुआ पॉसिबल बिकॉज न्यू कलर हुआ है ना, सुबह से मैं ये कलर की स्मेल ले लेके, वैसे भी मुझे माइग्रेन है, अगर बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है तो ऑब्वियसली सर दर्द होता है एंड कल एक्सट्रीम सर दर्द हो गया था, आज भी है बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है, आज से मुझे स्टार्ट करना है सो करना ही पड़ेगा। तो कल इतना ही बस करके फिर घर पे चली गई थी मैं। हैंगिंग लेने जब भी मैं गई तभी अकेले गई थी ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ कौन सा नहीं, सो बहुत सारे उठा के लाई, अभी लगा के देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं कुछ बना रहा हूँ, उसमें आवाज आएगी।
ये भी एसी का पाइप है, सो उसको भी हाइड करना है, सो सेम इसके जैसे हाइड करना पड़ेगा। अभी लास्ट में मैं रिकॉर्ड करके थक चुकी थी। एक्चुअली काम बहुत स्लो हो जाता है एवरी टाइम फ़ोन को सेट करो ट्राईपॉड पे, सो ये लास्ट का एंड नेल सीजन्स के लोगों का बिहाइंड द सीन्स नहीं है मेरे पास। ये पेडिक्योर का चेयर है, मैनीक्योर पेडिक्योर, ये उसका टब, ये उसके लिए प्लेट एंड ऑल, दिस इज़ फॉर हेयर स्पा थ्रेडिंग एंड ऑल, ये वेटिंग के लिए, सो कैसा लगा मेरा स्टूडियो कमेंट में प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से बताना। स्टूडियो का पूरा क्रेडिट मैं मेरे फादर इन लॉ को देना चाहूँगी क्या, उनका ही है क्रेडिट पूरा। इतना सुंदर स्टूडियो जो बना है पूरी उनकी मेहनत है, दिन रात उन्होंने मेहनत की है। लाइक सुबह 9 बजे वो यहाँ पे आ जाते थे बिना ब्रेकफास्ट के, तो मैं बोलती थी मैं जाती हूँ ना, बोलती नहीं नहीं मैं सिर्फ शॉप खोलने जा रहा हूँ, तो मैं बोलती थी मैं खोल के आती हूँ तो तुझे समझ में नहीं आएगा करके, बट यहाँ पे आते थे सारा काम दिखाने के बाद फिर वो घर पे वापस आते थे। एंड सेम रात को भी सब लोग 11 बजे घर पे आते थे। पीयूष भैया ने भी बहुत हेल्प की, उनकी भी बहुत अच्छी मेहनत है। मैंने देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया, बस फाइनेंस किया है और डिज़ाइन दिया है कि ये यहाँ पे होना चाहिए, वो वहाँ पे होना चाहिए, वाइट कलर चाहिए, बस उसके अलावा मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। मैं घर पे बस अपॉइंटमेंट्स करती रहती थी, पापा को कॉल आता था कि बेटा ये काम है, ये कहाँ पे कैसे रखना एक बार देख के जाओ, बस उतना ही हाथ है मेरा। कल्पेश भी बेचारे रात को घर पे आने के बाद, यहाँ ऑफिस से आने के बाद डायरेक्टली सीधा यहाँ पे आते थे, ये लोग रात को 11 बजे तक घर पे आते थे। तो मेरे अलावा सबकी मेहनत है वैसे देखा जाए तो, बट सबसे ज़्यादा पापा की मेहनत है, सबसे ज़्यादा। अपनों का एहसान नहीं मानते, बट पापा का ये एहसान तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, बिकॉज उनके मतलब वो अगर अवेलेबल नहीं होते तो ये स्टूडियो पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज इतनी छोटी छोटी चीज़ें रहती है, हमको कुछ आइडिया भी नहीं रहता है। स्पेशली मतलब मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था, मैं तो सिर्फ बोल देती थी कि पापा मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए, यहाँ पे वो प्लग चाहिए, सॉकेट चाहिए, जो भी है, बट सारा कुछ लगाना है, क्या लगाना है, मैंने बस मुझे ये बोला था पापा को कि मुझे वायर नहीं दिखने चाहिए, तो मैंने बस डिमांड की, बाकी सब पापा ने कंप्लीट किया है मेरा।